जबलपुर के सिहोरा थाना अंतर्गत खलरी गांव में रविवार को हुई सरपंच राजेश पटेल की हत्या और उनके भाई जय कुमार पटेल पर जानलेवा हमला करने के मामले में सिहोरा पुलिस ने दो आरोपी शिव कुमार बर्मन और अवधेश बर्मन को देर रात दबोच लिया। वहीं सोमवार को पीएम के बाद सरपंच का शव खलरी गांव ले जाया गया। वहां पुलिस सुरक्षा में अंतिम संस्कार किया गया। गांव में तनाव को देखते हुए एक एसआई सहित 12 का बल तैनात किया गया है। एएसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल सिहोरा में कैंप किए हुए हैं। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कल ग्राम खलरी के सरपंच राजेश पटेल और उनके भाई जय कुमार पटेल के साथ मारपीट हुई और जिसमें सरपंच राजेश पटेल की जो है वो मृत्यु हो गई है और उनके भाई जो है वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। सर, इस मामले में आरोपी क्या पकड़े गए हैं? कुछ इस मामले में जो चश्मदीद है उन्होंने 5 आरोपियों के नाम बताए थे हमें, जिसमें से 2 को हमने पकड़ लिया है और उनके साथी जो उनके साथ भागे थे उसमें से 2 उनको भी पकड़ा गया है। बाकी 3 और की हम तलाशी कर रहे हैं, जल्दी उनको पकड़ लेंगे।